हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिकी ट्यूटोरियल्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 8। और आज के स्टोरी का नाम है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। और आपको पता होगा इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका पार्ट है उसका नाम है आपका द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और इसके राइटर है जीत का लासा, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है जो आगे हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका वी टू आर ह्यूमन बींग्स, और उसके राइटर है आपका बामा, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे जीत का लासा के द्वारा लिखा गया जो पहला पार्ट है वो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस सेक्शन को कवर करेंगे बिफोर यू रीड। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हु लुक बैक ऑन देयर लाइव्स who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। तो ये जो आज का चैप्टर है उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड को डिस्कस किया गया है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपना कहानी खुद ही लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दो वुमेन हैं जो कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती है। कोई भी सोसाइटी में ये दो कम्युनिटी हमें देखने को मिलता है, एक होता है मेन स्ट्रीम कम्युनिटी और दूसरा होता है मार्जिनलाइज कम्युनिटी। मार्जिनलाइज कम्युनिटी वो कम्युनिटी होता है जो कि सोसाइटी के लोअर एरिया मतलब लोअर लेवल पे समाज के निचले तबके के लोग, क्या तो अपने कलर के लिए या फिर रिलीजन के लिए या फिर कास्ट के लिए, ठीक है, या फिर एजुकेशन या फिर लिविंग स्टैंडर्ड कुछ के कोई चीज़ के कारण वो लोग समाज में कहीं नीचे के लेवल पे आते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटी। और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो लोग होते हैं मेन स्ट्रीम वाले लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों राइटर है जीत का लासा और बामा वो दोनों मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करती है, ठीक है, समाज के निचले तबके के लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, और ये लोग अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। और वो लोग बताते हैं आज का जो हमारा दो स्टोरी है दो पार्ट, उस दो पार्ट में बताया गया है कि कैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी और मेन स्ट्रीम कम्युनिटी में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को बताया गया है इसमें, ठीक है। द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाई एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन द लेट 19th century। तो पहला पार्ट है जिसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, उसके राइटर है एक अमेरिकन इंडियन वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन मतलब नेटिव अमेरिकन, अमेरिकन इंडियन नेटिव अमेरिकन दोनों एक ही चीज़ होता है। और यहाँ पे जो इंडियन वर्ड है ये इंडियन वर्ड से हमारा जो देश भारत है उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जो वेस्ट इंडीज़ वाला जो इंडियन है उन लोगों का बात यहाँ पे किया गया है, मतलब अमेरिकन इंडियन मतलब वो कम्युनिटी जो अमेरिका में और अमेरिका से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, ठीक है, मतलब इंडिजिनस पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका, ठीक है, वहाँ के लोगों को वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे उनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन या फिर नेटिव अमेरिकन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और बाद में जो यूरोपियंस लोग वहाँ पे गए जो मतलब मेनली जो गोरे लोग थे वो लोग को बोलते हैं यूरोपियन अमेरिकन, ठीक है। तो हमारी जो राइटर है जीत का लासा वो जो है वो अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, ये इंडियन का मतलब हमारा देश भारत से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। वुमेन बॉर्न इन द लेट 19th century, इनका जन्म लेट 19th century में हुआ था। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा वी टू आर ह्यूमन बींग्स वो द सेकेंड इज़ बाई अ कंटेम्पररी तमिल दलित राइटर। कंटेम्पररी मतलब होता है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम पीरियड। तो हमारे जो दोनों राइटर है जीत का लासा और बामा ये दोनों सेम टाइम पीरियड से बिलोंग करते, दोनों एक ही समय के थे, ठीक है। तो सेकेंड जो हमारा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स उसके राइटर है एक तमिल दलित राइटर। तो फिर अगला पैरा देखते हैं हम लोग। गर्ट्रूड सिमंस बॉर्न इन 1876 वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन। तो ये जो जीत का लासा है ये उनका ओरिजिनल नेम क्या है, गर्ट्रूड सिमन बॉर्निन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1876 में और ये काफ़ी टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमन थी। नेटिव अमेरिकन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, और अमेरिकन इंडियन नेटिव वुमन नेटिव अमेरिकन दोनों सेम है। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड इन अ टाइम व्हेन सीवियर प्रेजुडिस प्रिवेल्ड टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। तो हमारी जो राइटर है जीत का लासा उन्होंने स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, और वो अपने स्ट्रगल में सक्सेस भी हुई उस समय में जब नेटिव अमेरिकन वुमेन के खिलाफ और नेटिव अमेरिकन कल्चर के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रेजुडिस मतलब काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था इन लोगों के साथ। तो उस समय उन्होंने स्ट्रगल किया और अपने स्ट्रगल में सक्सेस भी पाया, ठीक।
ठीक है। एज अ राइटर सी अडॉप्टेड द पेन नेम जीत कलासा। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था ये यूज़ नहीं करती थी, जब वो स्टोरी लिखती है तो जीत कलासा से इस नाम से स्टोरी लिखती है, ठीक है। एंड इन 1900 बिगैन पब्लिशिंग आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द कार्लिसली इंडियन स्कूल। और उन्होंने 1900 में आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिया और अपने आर्टिकल्स में वो क्रिटिसाइज करती थी, मतलब बुराइयाँ बताती थी कार्लिसली इंडियन स्कूल के। तो ये जो स्कूल है कार्लिसली इंडियन स्कूल, ये आपका है अमेरिका में, ठीक है। और इसका पर्पज़ क्या है ये स्कूल बनाने का पर्पज़ ये है कि जो ये जो नेटिव अमेरिकन या फिर अमेरिकन इंडियन जिसको बोलते हैं, तो नेटिव अमेरिकन लोगों को मेन स्ट्रीम कल्चर मतलब वाइट कल्चर में कैसे डाला जाए, उनको वाइट कल्चर का रहने का तौर तरीका वो सब सिखाया जाए, ये पर्पज़ था इस स्कूल का, कार्लिसली इंडियन स्कूल। इसमें मेनली ये नेटिव अमेरिकन लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे, ठीक है। इनको इस स्कूल में पढ़ाया जाता था ताकि ये लोग भी क्या सीख पाए, वाइट कल्चर सीख पाए, मतलब यूरोपियन अमेरिकन लोगों का कल्चर सीख पाए, ठीक है। तो जो हमारी राइटर है जीत कलासा, इन्होंने 1900 में आर्टिकल्स लिखना शुरू किया और वो क्रिटिसाइज करती थी इस स्कूल के बारे में। हर वर्क्स क्रिटिसाइज डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। तो वो जो भी लिखती थी उसमें क्रिटिसाइज करती थी डॉगमा। डॉगमा मतलब सेट ऑफ बिलीव्स जो आपको ऊपर थोप दिया जाता है, ठीक है। आपको कोई चीज़ आपको बोला जाता है ऐसे करो, तो वो सेट ऑफ बिलीव्स को हम लोग बोलते हैं डॉगमा, ठीक है। तो वो इस डॉगमा को क्रिटिसाइज करती है। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन। और उन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया अगेंस्ट द एविल्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अत्याचार के खिलाफ वो हमेशा से लड़ती रही है, ठीक है। तो इस पैरा में हमने देखा कि जीत कलासा का इंट्रोडक्शन। अब जीत कलासा का बारे में जो पहला पार्ट है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, उसके बाद जो बामा जो सेकेंड पार्ट लिखा है, जब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, रिटन बाई जीत कलासा। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन। तो पहली फर्स्ट डे था जीत कलासा का इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। लैंड ऑफ एप्पल्स मतलब वो जो जहाँ पे ये पढ़ने गई थी, जहाँ पे कार्लिसली इंडियन स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे वो गई थी। वॉज अ बीटर कोल्ड वन, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, पहला दिन उनका स्कूल में था। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और जो ऊपर से स्नो गिरा हुआ था वो पूरा ग्राउंड को कवर कर लिया था। एंड द ट्रीज वर बेयर, और ट्रीज भी काफ़ी मतलब बेयर मतलब बिना पत्तों की थी, सब पत्ते झड़ गए थे। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, तभी क्या होता है एक घंटी बजती है नाश्ता के लिए। इट्स लाउड मेटलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवर हेड एंड इन टू आवर सेंसिटिव ईयर्स। और नाश्ता के लिए बेल बजता है और उसका जो बहुत ही लाउड जो मेटलिक आवाज़ होता है वो आवाज़ बेल फ्राई को क्रॉस करते हुए। बेल फ्राई क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेल फ्राई, ठीक है। तो आवाज़ वहाँ से निकल के और हमारे सेंसिटिव कानों तक आ रही थी। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गिव अस नो पीस, और जो क्लैटर ऑफ शूज़, जब आप जूता पहन के स्कूल शू पहन के जब आप फ्लोर पे चलते हैं तो टक 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 आवाज़ आता है, तो उसको बोलते हैं क्लैटर ऑफ शूज़। तो वो क्लैटर ऑफ शूज़ काफ़ी अनोइंग था नरेटर के लिए। और बेयर फुट फ्लोर, फ्लोर में कुछ बिछा हुआ नहीं था तो आवाज़ आ रहा था फ्लोर से, गिव अस नो पीस, वो काफ़ी नॉइज क्रिएट कर रहा था ये जूतों का आवाज़। द कॉन्स्टेंट क्लैशिंग ऑफ हार्श नॉइजेस विद एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग मेड अ बेड लैम्प विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइट। तो ये जो घंटी का आवाज़ था, जूतों का आवाज़ था, इसके साथ साथ मर्मरिंग का आवाज़ जो आ रहा था ऑफ एन अननोन टंग, ठीक है। स्टूडेंट लोग आपस में कुछ कुछ बात कर रहे थे और ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो अननोन था नरेटर के लिए, अननोन टंग मतलब मेनली इंग्लिश में बात कर रहे थे और नरेटर इंग्लिश समझ पा नहीं रही थी। तो ये सारा नॉइज़ एक बेड लैम्प बना चुका था। बेड लैम्प मतलब क्या होता है, बेड लैम्प का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो और कन्फ्यूजन हो, ठीक है, उस प्लेस को बोलते हैं बेड लैम्प। तो ये सब चीज़ नाइटर के लिए एक वो एक प्लेस बेड लैम्प बन चुका था, और उस बेड लैम्प में वो काफ़ी सिक्योरली टाइट, वहाँ पे वो ऐसे फंस चुकी थी जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती है। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वॉज यूजलेस। और स्पिरिट उनका जो आत्मा तो था वो चाहता था कि उनका जो खोया हुआ फ्रीडम है, खोया हुआ आज़ादी जो है वो वापस आ जाए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस जंगल से निकलने का, लेकिन ऑल वॉज यूजलेस, वो यहाँ से निकल पा नहीं रही थी, मजबूरी में उनको यहाँ पे पढ़ना ही था। अ पेल फेस वुमेन, पेल फेस वुमेन, पेल फेस वुमेन का मतलब क्या होता है,
जो हमारी जो राइटर है जीत कलासा, वो तो है नेटिव अमेरिकन। और नेटिव अमेरिकन जो राइटर होते हैं वो पेल फेस वुमेन वर्ड यूज़ करके डिनोट करते हैं एक वाइट पर्सन को, ठीक है। कोई भी गोरे इंसान को वो लोग पेल फेस वुमेन बोल के बुलाते हैं। तो पेल फेस वुमेन का मतलब है वाइट वुमेन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पास आई, ठीक है। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, और हम सभी लड़कियों को एक लाइन में लगा दिया गया, हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, और वो लाइन ऑफ गर्ल्स कहाँ जा रही थी, इन टू द डाइनिंग रूम, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था उस रूम में। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये सभी लड़कियाँ नेटिव अमेरिकन थी, मतलब अमेरिकन इंडियंस थी, ठीक है। और इन सबको क्या सिखाया जा रहा था, मेन स्ट्रीम कल्चर में कैसे बिहेव करते हैं वाइट अमेरिकन की तरह, ठीक है। तो वो चीज़ इन्हें सिखाया जा रहा था इन स्टीप शूज, और ये सभी गर्ल्स स्टीप शूज पहनी हुई थी, मतलब टाइट शूज, आप देख पा रहे पिक्चर में आपका जो स्कूल शूज होता है उस टाइप का, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और काफ़ी जो इनका ड्रेस था वो काफ़ी क्लिंगिंग, मतलब चिपका हुआ था, काफ़ी टाइट ड्रेसेस था। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर, और जो छोटी लड़कियाँ थी वो स्लीव्ड मतलब बाही वाले कपड़े पहनते थे एंड सिंगल्ड हेयर, सिंगल्ड हेयर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, काफ़ी छोटे छोटे बाल जब कटे होते हैं उसको बोलते हैं सिंगल्ड हेयर। तो ऐसा स्ट्रक्चर था छोटी लड़कियों का। एज आई वॉक नॉइसलेसली इन माई सॉफ्ट मॉक्सिन्स, मॉक्सिन्स क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट लेदर से बना होता है, तो नरेटर ने वही पहन रखा था और वो काफ़ी नॉइजलेस था, मतलब वो पहन के आप चलेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, तो नरेटर वो पहन के चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, सिंकिंग टू द फ्लोर का मतलब होता है सफर एक्सट्रीम एम्बेरसमेंट। तो नरेटर जो है उनको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट, काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था। क्यों शर्म आ रहा था, क्योंकि फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप फ्रॉम माई शोल्डर, उनका जो कवर था मतलब उनका जो शोल्डर था वो उनको वहाँ से कपड़ा हटा दिया गया था, मतलब उनका जो शोल्डर था वो काफ़ी नेकेड अब दिख रहा था, उस वजह से उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रहा था, शर्म आ रहा था उनको। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर डेट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। तो लेखक जो है वो लुक्ड हार्ड मतलब काफ़ी गुस्से से उनको देखती है बाकी दूसरे जो इंडियन गर्ल्स थे। इंडियन गर्ल्स मतलब आप समझिएगा या हमारा भारत, हमारा जो देश है भारत, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। इंडियन मतलब वो जो अमेरिकन इंडियन थे, मतलब नेटिव अमेरिकन, उनका जिक्र, उनका बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो नरेटर जो थे वो बाकी जो दूसरे नेटिव अमेरिकन थे उनको देखती है और उनको काफ़ी गुस्से से देखती है, क्योंकि हु सीम नॉट टू केयर डेट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस देन आई, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो लोग, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग और भी ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस थे। इमोडेस्टली मतलब नीडलेस तरीके से, मतलब काफ़ी टाइट ड्रेस था और काफ़ी कोई कोई पोर्शन दिख रहा था, ठीक, मतलब नेकेड था वहाँ पे कोई, जैसे कि नेटर अभी बोली है वहाँ पे कि उनका शोल्डर जो था वो वहाँ से ब्लैंकेट हटा दिया गया था, तो उनसे उनको काफ़ी शर्म आ रहा था। तो नरेटर जो थी उनको बाकी इंडियन गर्ल्स पे काफ़ी गुस्सा आता है, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो लोग और भी ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस थी, मतलब अकॉर्डिंग टू नरेटर वो इमोडेस्टली ड्रेस थी, ठीक है। वो ऐसे वैसे ड्रेस जो वो लोग पहने हुए थे उस ड्रेस को वो मतलब असली मानती है, ठीक है। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और वो लोग काफ़ी टाइटली पहने हुए थे और इस बात से टाइटली ड्रेस पहने हुए थे, तो इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इस बात से नरेटर काफ़ी गुस्सा होती है और उनको लुक्ड हार्ड मतलब काफ़ी गुस्से से देखती है। व्हाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, तो जैसे ही हम उस डाइनिंग रूम में गए तो जो लड़के लोग थे वो लोग ऑपोजिट डोर से भी वो लोग भी अंदर आए उस डाइनिंग रूम में। आई वॉच्ड फॉर द थ्री यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, तो नरेटर जो है जीत कलासा वो तीन जो छोटे छोटे लड़के थे उनको वो देख रही थी जो उनके मतलब वो भी खाने के लिए आए थे, ठीक है, इन आवर पार्टी। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, तो नरेटर जो है वो चुप चुप के देख रही थी, वो जो लड़के जो थे वो पीछे लाइन में खड़े थे तो उनको वो देख रही थी। लुकिंग एज कम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, तो वो भी ठीक नरेटर की तरह ही वो लोग भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे यहाँ पे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, तभी एक छोटा सा घंटी बजता है। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, तो हर एक स्टूडेंट, पीपल मतलब स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट टेबल के अंडर जो चेयर रखा होता है उस चेयर को खींच के बाहर निकालता है। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, तो नरेटर को लगा कि वो चेयर सब निकाल रहे हैं आप चेयर पे बैठेंगे, तो वो सोच के वो उन्होंने भी चेयर निकाला और तुरंत ही साइड से उस चेयर पे बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न्ड माय हेड, तो जैसे ही अपने नरेटर ने अपना जो सिर हिला के दाएं बाएं देखा, आई सॉ डैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, वो उन्होंने देखा कि सिर्फ वही थी जो बैठ गई चेयर पे, बाकी सब कोई खड़े थे अभी भी।
एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है, बाकी लोग सब खड़े थे, सिर्फ नायटर ही जाके चेयर पर बैठ गई। तो इसे तो और भी ज़्यादा उनको शर्मिंदा का सामना करना पड़ा होगा। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, अब नायटर क्या करी, वापस अब उठने वाली थी, वो खड़े होने वाली थी, लुकिंग साइली अराउंड टू सी हाउ द चेयर्स वर टू बी यूज्ड, और काफ़ी वो शर्मिंदगी से इधर उधर देख रही थी और उनको समझ में आ रहा था कि चेयर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तभी दूसरा घंटी बजता है, ऑल वर सीटेड एट लास्ट। तो नायटर जैसे ही उठ रही थी वैसे ही दूसरा घंटी बज जाता है और सब भी वापस फिर से बैठ जाते हैं, ठीक है। तो एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, तो सब कोई बैठ जाते हैं तो नायटर को फिर से अपने चेयर पर बैठना पड़ता है। आई हर्ड अ मैंस वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, तो नायटर सुनती है कि एक मैन जो है वो कुछ बात कर रहा है एक कॉर्नर में, एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और नायटर देखती है सिर हिला के कि वो कौन है जो बात कर रहा है। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन वहाँ पर जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे, बाकी जो नेटिव अमेरिकन्स थे, वो लोग अभी भी अपने सिर झुकाए बैठे हुए थे अपने प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, तो नायटर जैसे ही वो लंबा जो चेन है टेबल का वो देख रही थी, आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वूमेन अपॉन मी, तो मैंने देखा कि वो जो पेल फेस वूमेन मतलब आप समझ गए होंगे, वो जो वाइट वूमेन थी वो नायटर को देखे जा रही थी। तो नायटर ने ये देखा कि वो वूमेन उन्हें देख रही है। तो अभी तक इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हमने देखा, एक कैरेक्टर तो हमारी नरेटर है जीत कलासा, और दूसरा कैरेक्टर ये पेल फेस वूमेन है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इमिडिएटली आई ड्रॉप माई आइज, तो जैसे ही नायटर ने देखा कि वो पेल फेस वूमेन उन्हें देख रही है, उन्होंने तुरंत अपने नज़रें नीचे कर ली, वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वूमेन, और नायटर सोचने लगी कि क्यों ये वूमेन मुझे इतने ध्यान से देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, तो वो इंसान जो बात कर रहा था वो इंसान बात करना बंद कर दिया, एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, फिर तीसरा बेल बजता है, एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉक एंड बिगैन ईटिंग, तो हर कोई अपना छुरी और चाकू निकालता है और खाना शुरू कर देता है, मतलब चम्मच और कांटेदार चम्मच और नाइफ निकालता है और खाना शुरू कर देता है। आई बिगैन क्राइंग इंस्टेड, और तभी नरेटर क्या करती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि फॉर बाई दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, अब तक नरेटर को इतना एम्बरेसमेंट से गुजरना पड़ गया था कि वो अब और लेने के लिए तैयार नहीं थी और वो रोना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो बाई दिस ईटिंग बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, तो ये जो ईटिंग बाई फार्मूला, इतना जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ा खाने से पहले, उसको बोला गया ईटिंग बाई फार्मूला, ये हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था उस पहला दिन का, ठीक है, ये हार्डेस्ट एक्सपीरियंस नहीं था उस पहला दिन का, क्योंकि और भी कुछ हार्ड उनको सफ़र करना पड़ा, और भी कुछ बुरा सफ़र करना पड़ा, वो पूरा चीज़ क्या था आगे देखते हैं। लेट इन द मॉर्निंग, मतलब उसी सुबह नाश्ता करने के बाद और थोड़ा देर बाद, माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, तो अब थर्ड कैरेक्टर आती है इस स्टोरी में, जुडविन, ठीक है, वो नरेटर को क्या करती है, एक वार्निंग मतलब चेतावनी देती है, मतलब उनको वार्न करती है कि जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन को थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आता था, एंड शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वूमेन टॉक अबाउट कटिंग माई लॉन्ग हैवी हेयर, और उसने सुन लिया था उस पेल फेस वूमेन को बात करते हुए कि वो जो ये जो दो वो जुडविन और जो नरेटर है उनके बाल को काटने वाली है, ठीक है, लॉन्ग हैवी हेयर को काटने वाली है, ये बात जुडविन ने सुन लिया था, और यही बात जुडविन अभी क्या कर रही है, नरेटर को बता रही है, ठीक है। तो ये जो था, ये जो बात था बाल काटने का, ये सबसे हार्डेस्ट ट्रायल था, ठीक है, हार्डेस्ट एक्सपीरियंस था नरेटर के लिए उस दिन का, और यही हमारा इस पार्ट का टाइटल भी है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है यहाँ पर। Our mothers had taught us that only unskilled warriors who were captured had their hair shingled by the enemy. तो उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि सिर्फ जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं होता, जिनको कुछ नहीं आता है, ऐसे ही योद्धा जो लोग बंदी बना लिए जाते हैं, जिनको कैप्चर किया जाता है और उनका ही सिर्फ बाल को काटा जाता है, ठीक है, ओनली मतलब हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाई द एनिमी, ठीक है, जो लोग अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं उनका जो एनिमी होता है वो उनके बाल को छोटे छोटे काट देता है। उनकी माँ ने उनको ये बता के रखा था। एंड अमॉन्ग आवर पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाई मॉर्नर्स एंड शिंगल्ड हेयर बाई कवर्ड्स, और उनके कल्चर में, ठीक है,
छोटे बाल वो लोग रखते हैं जो मॉडर्न मतलब जो शोक सभा में जाते हैं, किसी का अंतिम संस्कार में करने लिए जाते हैं तो वो लोग बाल कटवा लेते हैं छोटे छोटे। एंड सिंगल हेयर बाई कावर्ड्स, और सिंगल हेयर उनका होता है उसके भी छोटे छोटे बाल वो लोग कटवाते हैं जो लोग कावर्ड्स होते हैं, कावर्ड्स मतलब कायर होते हैं जो लोग, ठीक है। तो ये इनका नॉर्मल कल्चर में ऐसा बिलीफ है कि बाल छोटे करना इनका अच्छा नहीं माना जाता इनके कल्चर में, नेटिव अमेरिकन के कल्चर में, ठीक है, बाल छोटे करना अच्छा नहीं माना जाता है। वी डिस्कस्ड आवर फेट सम मोमेंट्स एंड व्हेन जुडविन सेड, तो हमने कुछ बात किया जाए आगे क्या क्या होने वाला है, हमने अपना फेट मतलब डिस्कस किया भविष्य क्या क्या होने वाला है। एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब जुडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग, कि हमें उनके बात मानना पड़ेगा क्योंकि वो लोग स्ट्रांग है, आई रिबेल्ड, मैंने क्या किया अपोज किया, ठीक है। तो हमने तो इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि नाइटर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उन्होंने काफ़ी लड़ाई किया था, स्ट्रगल किया था, तो बचपन से ही उन्हें हमें वो जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है उनमें। तो उन्होंने वो आसानी से सबमिट नहीं किया अपने आप को, वो स्ट्रगल की, देखते हैं क्या क्या स्ट्रगल की वो। नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, आई आंसर्ड। तो नाइटर ये आंसर करती है कि मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं पहले संघर्ष करूँगी। आई वॉच्ड माई चांस, तो नाइटर अपना चांस ढूंढने लगी, जैसे ही मौका मिला एंड वन नो वन नोटिस्ड आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से भाग आई, वहाँ से नाइटर भागी। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कूड इन माई स्क्वीकिंग शूज, तो वो सीढ़ियों को बहुत शांति से धीरे धीरे चल रही थी, इतना शांति से चल रही थी जितना वो स्क्वीकिंग शूज अलाउ कर रहा था। स्क्वीकिंग शूज मतलब जो नया नया जूता होता है वो ची ची का आवाज़ करता है, ठीक है, तो वैसा आवाज़ मतलब जितना कम आवाज़ हो सके उतना कम आवाज़ निकाल के वो ऊपर चल रही थी, ठीक है। माई मॉक्सिन्स हैड बीन एक्सचेंज फॉर शूज, और पहले तो नरेटर जो थी वो मॉक्सिन्स पहनी हुई थी, तो उनको मॉक्सिन्स उनसे ले लिया गया था और उनके बदले उनको शूज़ दे दिया गया था, वही शूज़ को बोलते हैं स्क्वीकिंग शूज़, मतलब स्क्वीकिंग आवाज़ आ रहा था वहाँ से। अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, तो नरेटर हॉल से होते हुए पता नहीं वो कहाँ जा रही थी, विदर मतलब वेयर, वो सिर्फ चले जा रही थी। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर आई फाउंड अ लार्ज रूम वेयर थ्री वाइट बेड्स इन इट, विथ थ्री वाइट बेड्स इन इट, तो नरेटर मूर्ति है और देखती है एक दरवाज़ा खुला हुआ और अंदर जाती है और पता पाती है कि उस रूम में तीन वाइट बेड्स थे, ठीक है। द विंडोज़ वर कवर्ड विथ डार्क ग्रीन कर्टेंस, खिड़की पर डार्क ग्रीन कलर के पर्दे लगे हुए थे, विच मेड द रूम वेरी डिम, जो उस रूम को काफ़ी अंधकार करके रखे हुए थे। थैंकफुल डेट नो वन वॉज देयर, कोई वहाँ पर अंदर नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फार्देस्ट फ्रॉम द डोर, तो नरेटर उस कॉर्नर में चली गई जो डोर से काफ़ी दूर में था, उस कोने में जाके ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने घुटनों के बल और अपने हाथों के बल आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसे करके वो बेड के नीचे जाके छिप गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अंधेरे में जाके वो छिप गई। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, और वो छिपे हुए जगह में से ही वो पियर्ड मतलब झाँकती थी बाहर, ठीक है। शडरिंग विथ फियर वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाई, और जब भी उन्हें सुनाई पड़ता था कि पैरों के चलने का आवाज़, जब भी उन्हें सुनाई पड़ता था तब वो शडरिंग मतलब काँप उठती थी, ठीक है, डर के मारे कि कोई उन्हें देख ना ले और पकड़ ना ले और उनके बाल ना काट दे। दो इन द हॉल लाउड वॉइस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू डेट इवन जुडविन वॉज सर्चिंग फॉर मी, तो वो वहाँ पर छिपी हुई थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा वॉइस सुनाई पड़ रहा था, सबको इसका नाम बुला रही थी कि कहाँ गई ये लड़की, एंड उन्हें पता था कि जुडविन जो है उनकी फ्रेंड वो भी उन्हें सर्च कर रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन इन्होंने कुछ जिटकला सा जो थी वो कुछ नहीं बोली, ठीक है। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड एंड द वॉइस बिकेम एक्साइटेड, फिर जो कदमों के चलने के जो आवाज़ थे वो और भी तेज़ हो गए और जो वॉइस थी वो भी और भी ज़्यादा तेज़ हो गई, सब कोई बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से अब खोजने लगे इसको। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, अब जो आवाज़ें थे वो काफ़ी पास आ रहे थे, मतलब वो सभी लोग इस रूम की तरफ आ रहे थे। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, तो सभी वुमेन और गर्ल्स जो थी वो इस रूम में आई जिस रूम में नरेटर छिपी हुई थी। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स, तो नरेटर ने अपनी सांसें को रोक लिया एंड देख रही थी कि वो लोग कैसे क्लोजेड डोर्स मतलब अलमारी के जो डोर्स थे उनको खोल रहे थे। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और जो बड़े बड़े ट्रंक थे पेटी थे उनके पीछे पीछे वो सब झाँक के देख रहे थे और नरेटर को ढूंढ रहे थे। Someone threw up the curtains, तो किसी ने curtains को हटा दिया, जो डार्क ग्रीन curtains थे उसको हटा दिया। And the room was filled with sudden light, और उस रूम में तुरंत अचानक से बहुत ज़्यादा लाइट हो गया क्योंकि वो डार्क curtains का वजह से ही वो रूम अंधकार था, लेकिन जैसे ही curtain हटा तो उस रूम में रोशनी आ गया। What caused them to stoop and look under the bed, I do not know, लेकिन पता नहीं वो लोग किस कारण से नीचे झुके और बेड के नीचे देख लिए और मुझे पकड़ लिए। I remember being dragged out, मुझे याद है कि वो लोग मुझे खींच के वहाँ से बाहर निकाले बेड के नीचे से। Though I resisted by kicking and scratching wildly,
और नेटर ने रेजिस्ट भी किया बाइक किकिंग, वो हाथ पैर चला रही थी और स्क्रैच कर रही थी, स्क्रैच करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। इतना स्विच करने के बावजूद भी उन्हें नीचे ले जाया गया और उन्हें एक चेयर में बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, नाइटर जो थी वो चिल्लाई, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, वो अपने सिर को हिलाती रहेगी कोई बाल ना काट पाए, अनटिल आई फेल्ट द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, तब तक कि जब तक उन्हें महसूस हुआ कि एक कोल्ड ब्लेड, ठंडा ठंडा ब्लेड उनके गर्दन पर लगा, मतलब सीजर्स का ब्लेड उनके गर्दन पर रखा गया, एंड हर्ड देम ग्नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्लेड्स, और उन्हें सुनाई पड़ा कैची से काटने का आवाज़, ठीक है, उनकी जो चोटियाँ थी उसको काट दिया गया कैची से। तो जैसे ही वो काटा गया, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, लेखक ने अपने आत्मा को खो दिया, ठीक है, मतलब काफ़ी डिमोरलाइज हो गई वो। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, तो उस दिन से जब से उनको अपने माँ से अलग किया गया है तब से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इंडिग्निटीज मतलब एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग उन्हें घूरे हैं, मतलब घूर घूर के देखे हैं, ठीक है। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, उन्हें एक वुडन पपेट की तरह हवा में उछाला गया, हवा में उछाला गया मतलब उन्हें जैसे मर्जी वैसे चलाया गया, ठीक है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक अ कवर्स, और अब उन्हें उनके जो लंबे लंबे बाल थे उसको सिंगल मतलब काट दिया गया काफ़ी छोटे छोटे एक कायरो की तरह, क्योंकि उनके कल्चर में बिलीव किया जाता है कि सिंगल बाल उसी के होते हैं जो कवर्ड होते हैं, जो ये होते हैं अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, ठीक है, उनके ही छोटे छोटे बाल होते हैं। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और नरेटर जो थी वो अपने दुख में, अपने एंगर में वो अपनी माँ के लिए रोई का, ठीक है। एंड नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन कोई नहीं आया उन्हें कुछ संतावना देने के लिए। नॉट अ सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, कोई भी सोल मतलब कोई भी इंसान नहीं आया जो उनके साथ शांति से बैठ के बात करे, एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसे कि उनकी माँ किया करती थी। जब नरेटर होती थी पहले तो उनकी माँ उन्हें समझाती थी, लेकिन अब कोई समझाने के लिए नहीं आया यहाँ पर। फॉर नाउ आई वॉज द ओनली वन ऑफ मैनी लिटल एनिमल्स ड्रीवन बाई अ हर्डर, क्योंकि मैं अब सिर्फ एक क्या बन के रह गई थी, एक छोटे से एनिमल बन के रह गई थी जिसे एक हर्डर चला रहा था, ठीक है। हर्डर मतलब चरवा, मतलब जो लाइव स्टॉक को पालता है, कंट्रोल करता है उन्हें, उसको बोलते हैं हर्डर। सिर्फ एक हर्डर द्वारा चलाया जाने वाला एक एनिमल्स बन के रह गई थी वो नरेटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग करने वाले हैं पार्ट टू, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो पार्ट वन और पार्ट टू का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब दोनों एक ही थीम पे बेस्ड है कि कैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और जो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी है दोनों में क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला पार्ट क्लियर होगा। अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो जो हमने छोड़ा हुआ था बिफोर यू रीड का सेक्शन। फर्स्ट पैरा हमने ख़त्म किया था, दूसरा पैरा ख़त्म किया था, तीसरा हमें देखना है, ठीक है। तो तीसरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो काम काम का बात है सिर्फ वही यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो जो सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, उसके राइटर है बामा। तो बामा भी ओरिजिनल नाम नहीं है, ये एक पेन नेम है ऑफ अ तमिल दलित वुमेन, ठीक है। जो हमारी राइटर है वो तमिल की है, ये यहाँ पे अब इंडिया का केस है, ये यहाँ पे इंडिया का कोई लेना देना नहीं था इस फर्स्ट पार्ट में, अब सेकंड केस में इंडिया से रिलेटेड है ये। वो तमिल कम्युनिटी से बिलोंग कर, तमिल दलित वुमेन है, ठीक है। और ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है कारुकू। तो ये जो स्टोरी है कि वी टू आर ह्यूमन बींग्स, ये जो नरेटर का ऑटोबायोग्राफी है कारुकू, उससे छोटा सा पार्ट लिया गया है ये स्टोरी, ठीक है। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कारुकू, ठीक है, इतना बात आपको जानना है। यहाँ से दो बात याद रखना है, बामा क्या है, पेन नेम है ऑफ तमिल दलित वुमन का, मतलब यही हमारी राइटर है, और राइटर ने ऑटोबायोग्राफी लिखा जिसका नाम था कारुकू, और उस कारुकू बुक में से एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है आज का जो सेकेंड पार्ट है वो। तो अब शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास आई हैडन्ट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, जब नरेटर जो थी वो जब थर्ड क्लास में पढ़ रही थी तब उन्होंने लोगों को बात करते हुए नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड इवन ह्यूमिलिएटेड बाई वॉट इट इज़। उन्होंने ओपनली तो वर्ड नहीं सुना था अनटचेबिलिटी, लेकिन उन्होंने उसको देखा था, फील किया था, एक्सपीरियंस किया था, और बेइज्जती भी मतलब ह्यूमिलिएट भी हुई थी कि ये अनटचेबिलिटी क्या है, ठीक है। अनटचेबिलिटी के कारण उन्हें बेइज्जती का, ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था। इसको उन्होंने देखा है, फील किया, एक्सपीरियंस किया है, लेकिन उन्होंने ये वर्ड जो था अनटचेबिलिटी के बारे में किसी से बात करते हुए नहीं सुना था उन्होंने, ठीक है। उन्हें पता था अनटचेबिलिटी क्या होता है, लेकिन
पीपल को बात करते हुए सुना नहीं था इसके बारे में। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, तो एक दिन क्या हुआ कि नाइटर जो थी वो स्कूल से वापस घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंग्ड फ्रॉम माई शोल्जर, और शोल्जर में एक पुराना बैग टंगा हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, और स्कूल से घर तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का था। बट यूजअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, लेकिन अक्सर नाइटर को 30 मिनट लगता था, कम से कम 30 मिनट लगता था घर पहुँचने के लिए। अब क्यों 30 मिनट लगता था, 10 मिनट का रास्ता 30 मिनट क्यों लगता था? इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू ड्वेडल अलॉन्ग, तो कभी कभी तो आधे घंटे से एक घंटा तक का समय भी लगता था इन्हें टू ड्वेडल अलॉन्ग। डटल का मतलब होता है टू मूव स्लोली, धीरे धीरे वो चल के आती थी। धीरे धीरे क्यों चलती थी? क्योंकि चलने के दौरान वो क्या करती थी, वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स डेट वर गोइंग ऑन, रास्ते में जितने भी वो मस्ती के चीज़ें हैं, जितने भी गेम्स थे, वो सब वो देखते हुए आती थी। ऑल द इंटरटेनिंग नोबिलिटीज एंड ऑडिटीज, नोबिलिटीज़ का मतलब होता है समथिंग न्यू, ऑडिटीज़ का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट। हर चीज़ जो नया कुछ अलग वो देखती थी, जो रास्ते पे हुआ होता था वो देखते हुए आती थी। द शॉप्स एंड द बाजार, ये सब चीज़ को वो देखते हुए आती थी, इसलिए उन्हें 10 मिनट का रास्ता कवर करने में 30 मिनट से 1 आवर तक का समय लगता था। और अब डिटेल में बताया गया कि वो क्या क्या देखती थी। द परफॉर्मिंग मॉन्की, द स्नैक विच द स्नैक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो देखती थी मॉन्की को परफॉर्म करते हुए, और देखती थी कि कैसे एक सपेरा अपने जो बॉक्स में स्नैक रखा हुआ है वो स्नैक को दिखाता था लोगों को, तो वो देखती थी वो। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 डेज, वो देखती थी कि कैसे एक साइकिलिस्ट जो अपने साइकिल से 3 दिन से नहीं उतरा हुआ है, एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कूड फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द डे, और वो साइकिल को लगातार पेडलिंग किया जा रहा था फ्रॉम द ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे मतलब फ्रॉम द मॉर्निंग, ठीक है। 3 दिन से लगातार वो साइकिल में पैडल मारे जा रहा था, और क्यों मारे जा रहा था, क्योंकि द रूपी नोट्स डेट वर पिंड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, क्योंकि लोग उसे पैसे दिए जा रहे थे उसके शर्ट पे, मतलब पैसे के जो नोट थे उसको पिन करके, मतलब पैसे दे रहे थे ताकि उसको क्या करे, स्पर मतलब इनकरेज करे, ठीक है। तो उसको लोग पैसे दिए थे और लगातार वो पैंडल मारे जा रहा था, मैडल मारे जा रहा था लगातार 3 दिन से। तो ये सब वो देखती थी। और क्या देखती थी वो, द स्पिनिंग व्हील्स, स्पिनिंग व्हील्स देखती थी। स्पिनिंग व्हील्स क्या होता है आप देख पा रहे हैं, चरखा जो है वो देखती थी वो। द मारियाटा टेम्पल, मारियाटा टेम्पल वो देखती थी। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, बड़ा सा जो घंटी लटकता था वो देखती थी वो। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो प्रसाद जो बनता था वो देखती थी वो, ठीक है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं पोंगल ऑफरिंग जो टेम्पल के फ्रंट में बनता था वो देखती थी। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, तो गांधी जी के स्टैचू के बगल में जो मछली का जो स्टॉल लगता था, सूखा मछली का, वो देखती थी वो। द स्वीट स्टॉल, द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, ठीक है, जो मिठाई का दुकान था, जो स्नैक्स का दुकान था, भजे तले सामान का स्नैक्स, एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सब अलग अलग टाइप के दुकान वो देखती थी। और क्या देखती थी, द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, रास्ते में जो लाइट थे वो कैसे अपना कलर ब्लू से वायलेट चेंज करते थे वो देखती थी वो। द नारी कुरावन हंटर गिप्सी, ठीक है, नारी कुरावन हंटर गिप्सी क्या होता है, नारी कुरावन एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में, ठीक है। आपको पता है हमारी जो राइटर है बामा, वो भी तो एक तमिल दलित राइटर है, ठीक है, तो तमिलनाडु का सीन है। तो नारी कुरावन एक कम्युनिटी है तमिलनाडु में जिसका मेन ऑक्यूपेशन है हंटिंग करना, ठीक है। और हंटर गिप्सी मतलब ये लोग बंजारे होते हैं जो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये कम्युनिटी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ऐसे लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, विथ हीज वाइल्ड लेमूर इन केजेस, लेमूर मतलब मॉन्कीज, बंदर को पिंजरे में रखते हैं, सेलिंग नीडल्स और सुई बेचते हैं, और क्ले बीट्स मतलब मिट्टी के मोती बेचते हैं वे लोग, एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कान साफ करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग बेचते हैं। कौन लोग बेचते हैं, नडी कुरावन हंटर जिप्सी। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ वो देखते हुए आती थी। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, हर एक थिंग जो था वो नरेटर को आकर्षित करता था और उन्हें आगे जाने से रोकता था, इसलिए नरेटर को 10 मिनट का रास्ता कवर करने में 30 मिनट्स टू 1 आवर लगता था। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, और कभी कभी तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे वो आते थे, पुट अप स्टेज लगाते थे, एंड हैरेंग अस थ्रू देयर माइक्स, और अपने माइक के जरिए लंबे लंबे स्पीच देते थे। हैरेंग अस का मतलब होता है जोशीला भाषण, ठीक है, जोशीला भाषण देते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, और ताकि लोग उनके बात में आ जाए।
थ्रू देयर माइक्स, माइक्स के जरिए वो भाषण देते थे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, हो सकता है कोई नाटक उटक होता हो और अ पपेट शो, ठीक है, या फिर गुड्डा गुड्डी का खेल कोई लगा हुआ हो वो देखती थी वो, और नो मैजिक और नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, या फिर जिसमें कोई मैजिक कोई मिरेकल ना हो वैसा स्टंट परफॉर्मेंस वो देखती थी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ये सब चीज़ होते रहता था, बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम इंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता था। इवन अदरवाइज, और जब ये सब भी ना चलता हो तब क्या होता था, देन देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, बाजार में कॉफ़ी क्लब्स थे। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इन टू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, तो कैसे देखती थी कि वो कैसे जो वेटर था वो कॉफ़ी को ठंडा करता था। कॉफ़ी ठंडा कैसे करता था, एक हाथ में वो टम्बलर पकड़ता था और दूसरे हाथ में भी और एक टम्बलर पकड़ता था, और एक टम्बलर को ऊंचा करके वो कैसे डालता था कॉफ़ी को नीचे वाले टम्बलर में, ठीक है, फिर दूसरे हाथ से वो फिर वापस पहले वाले टम्बलर में डालता था, ठीक है, तो ऐसे करके वो कॉफ़ी को ठंडा करता था, आप देखे होंगे वीडियोज़ में, तो वो देखती थी। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियन, और वो देखती थी कि कैसे लोग अपने दुकान के सामने बैठकर प्याज छिल रहे होते थे, देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर, और वो लोग अपने आँख को दूसरी साइड कर लेते थे क्योंकि सो डैट दे वुड नॉट स्मार्ट, उस नॉट स्मार्ट का मतलब होता है उनको जो पेन जो था प्याज का जो पेन होता है वो प्याज काटने का जो झाक होता है वो उनके आँखों में ना लगे, ठीक है, उसके कारण वो अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेते थे। या फिर और वो क्या देखती थी, और द एलमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाई द विंड, वो देखती थी कि वो बादाम का पेड़ जो वहाँ पे ग्रो करता था और उसके जो फल थे वो जब हवा चलता था तो वो फल टूट के नीचे गिरते थे, वो देखती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेथर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, तो ये सभी चीज़ें नरेटर को वहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देती थी और उन्हें स्टॉप करती थी घर जाने से। टेथर का मतलब टाई, ठीक है, नरेटर का पैरों को बांध देता था मतलब सिम्बॉलिकली, ठीक है, और उन्हें घर जाने से रोकता था। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीज़न, और इसके अलावा इन सब चीज़ों के अलावा सीज़न के अकॉर्डिंग देयर वुड बी मैंगो, कोकुम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्राम पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गोवास एंड जैक फ्रूट, मतलब इतना सारा चीज़ वो देखती थी। एवरी डे आई कुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सेवरी फ्राइड स्नैक्स, पायसम, हलवा, बॉयल्ड टमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज, तो इतना सारा वो चीज़ वो देखती थी, मतलब वो काफ़ी सारा चीज़ देखती थी। उम्मीद करते हैं आप थक गए होंगे सुन सुन के कि क्या क्या चीज़ वो देखती थी। अब आगे देखते हैं मेन क्या चीज़ है स्टोरी का। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, तो इन सब चीज़ को वो देखते हुए जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, तो मेन स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होता है। इन सब चीज़ को वो देखते हुए जब वो एक दिन आ रही थी घर, आई केम टू माई स्ट्रीट, अपने जो जिस रास्ते में उनका घर था उस रास्ते में वो पहुँची, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्जर, और उसका उनका जो बैग था वो शोल्जर पर टंगा हुआ था, तो वो क्या देखती है, एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, देखती है कि एक दूर कहीं कोने में एक थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप किया गया है। थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, हम लोग सेपरेट करते हैं जो ग्रेन्स होता है उसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, जो धान होता है उसको निकाल लेते हैं फ्रॉम द ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, और जो बचता है जो पुआल बच जाता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, पुआल को फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। तो कहाँ थे हम लोग, ये रहा। तो वो देखती है कि एट द अपोजिट कॉर्नर दो एट थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, तो थ्रेशिंग फ्लोर सेटअप किया गया था एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, और जो मालिक जो था लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जो है यहाँ पर वो आपका बिलोंग करता है मेन स्ट्रीम कल्चर से, ठीक है, ये तो ये जो लैंडलॉर्ड था वो देखता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन एज, स्टोन लेज, तो लेज क्या होता है, एक टाइप का रेक होता है, मतलब शेल्फ है, ठीक है, वहाँ पे एक सैकिंग मतलब बोरा, एक बोरा बिछाकर वो जो लैंडलॉर्ड था उस पर बैठकर देखता था कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो ऐसा सीन था वहाँ पे। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, आवर पीपल मतलब नाइटर जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे दलित लोग, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, कैटल को चला रहे थे उस पर राउंड एंड राउंड, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि कैटल्स को चलाने से बार बार कैटल का पैर से वो जो धान था वो निकल जाता था, ठीक है, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, ठीक है, तो ग्रेन निकाल लेते थे वो लोग फ्रॉम द स्ट्रॉ, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। द एनिमल्स वर मजल्ड सो डैट
दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, और एनिमल्स का जो मुंह था उसको मचल कर दिया गया था, बांध दिया गया था ताकि वो लोग स्ट्रॉ को खा ना पाए, उस भूसे को खा ना पाए। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर, तो नाइटर कुछ देर खड़े होकर ये सब देख रही थी, वॉचिंग द फन, ये सब देख रही थी वो। जस्ट देन, और तभी क्या होता है, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, हमारे मोहल्ले का एक एल्डर, एक बुजुर्ग इंसान, केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, बाजार की तरफ से वो आ रहा था। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, तो जिस तरीके से वो इंसान, एल्डर इंसान जो चल रहा था, मेड नाइटर को डबल अप करने का मन किया। डबल अप मतलब अब हंसी इतना ज़्यादा आ गया कि वो नीचे झुक गई, नीचे झुकने का मन किया उसे, ठीक है, हंसी के मारे। आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, वो श्रीक मतलब चीखना चाहती थी, वो हंसी के मारे चिल्लाना चाहती थी कि कैसे वो एक इतना बड़ा इंसान और एक इतना छोटा पैकेट कैसे कैरी करके आ रहा है। आप देख पा रहे पिक्चर में, ठीक है, काफ़ी छोटा सा पैकेट और काफ़ी बॉडी से दूर हटा के वो कैरी करके जा रहा है। तो ये सीन को देखकर नाइटर जो थी उनको काफ़ी हंसी आ रहा था, वो तो थी सिर्फ क्लास 3 में तो उन्हें सब पता नहीं था, तो काफ़ी हंस रही थी वो। आई गेस्ट देयर वॉज समथिंग लाइक वदाई और ग्रीन बनाना भजी इन द पैकेट, तो नाइटर ने गेस किया कि हो सकता है उस पैकेट में क्या होगा, वड़ाई होगा, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, और ग्रीन बनाना भाजी होगा, बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विथ ऑयल, जो पेपर से वो रैप किया गया था वो पेपर में तेल लग गया था, ठीक है, तो कुछ भजा तला हुआ चीज़ होगा उसमें। ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाई इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, तो वो इंसान चले आ रहा था और वो पैकेट को पकड़े हुए था उसके धागे से, ठीक है, आप देख पा रहे हैं सिर्फ स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, पैकेट को नहीं छुआ हुआ है वो, और विदाउट टचिंग इट, ठीक है, अपने शरीर से दूर रख के वो ला रहा है बिना इस फूड को टच किए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, तो लेखक नाइटर जो थी वहीं पे खड़ी रही और सोच रही थी वो, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक डेट, वो सोच रही थी कि अगर वो ऐसे ही पकड़े रहा, वॉन्ट द पैकेज कम्स अनडन, कहीं उसका पैकेज ना खुल जाए, ठीक है, एंड द वडाइज फॉल आउट, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पैकेट खुल जाए और वडाइज कहीं नीचे ना गिर जाए, नाइटर ये सोच रही थी। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, तो वो जो एल्डर था वो सीधे लैंडलॉर्ड के पास गया, बोर्ड लो नीचे झुका, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टूवर्ड्स हिम, और पैकेट जो था उसको दे दिया लैंडलॉर्ड को। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विथ हिज अदर हैंड, और कपिंग द हैंड मतलब आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस पोजिशन को बोलते हैं कपिंग द हैंड, ठीक है, तो इस पोस्चर में आके वो उस खाने को लैंडलॉर्ड को दे देता है। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, वो पार्सल को खोलता है, एंड बिगेन टू ईट द वडाइस, और वडाइस को खाना शुरू कर देता है। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस, तो ये सब चीज़ देखने के बाद एट लास्ट आई वेंट होम, नाइटर अपने घर आ जाती है। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, और वहाँ पे उसका बड़ा भाई होता है। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, तो नाइटर जो थी वो अपने ये पूरा स्टोरी को जितना भी फनी तरीके से हो सकता है उस फनी तरीके से बताती है अपने बड़े भाई को। आई फेल अबाउट विथ लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड एन एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, तो नाइटर को काफ़ी हंसी आता है इस बात को याद करके कि कैसे इतना बड़ा इंसान और उससे इसके अलावा वो एक बुजुर्ग इंसान भी था, वो एक इतना बुजुर्ग इंसान इतना मतलब इतना झमेला करके इतना गेम बना के एक पार्सल को कैरी करके ला रहा था, ठीक है, वो सिंपली भी तो कैरी कर सकता था, तो इतना क्यों वो इतना ड्रामा करके वो लाया था, ठीक है, तो ये सब बात सोच के वो काफ़ी हंस पड़ी थी, काफ़ी हंस रही थी। बट अनान वॉज नॉट एम्यूज्ड, अनान का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, ठीक है, तमिल में, तो लेकिन वो इस बात को सुन के ज़्यादा खुश नहीं हुए, उनको ज़्यादा ये फनी नहीं लगा ये बात, क्योंकि अनान टोल्ड मी द मैन वॉजंट बींग फनी, अनान उसको नाइटर को बताते हैं कि वो इंसान फनी नहीं था व्हेन ही कैरीड द पैकेज लाइक डेट, जो पैकेज उस तरीके से कैरी करके लाया वो फनी नहीं था। ही सेड एवरीबडी बिलीव डैट दे वर अपर कास्ट, तो अनान जो थे वो नाइटर को बताते हैं, समझाते हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड जो है वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करता है, एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और इन अपर कास्ट वाले लोगों को टच हम लोग नहीं कर सकते हैं। इफ़ दे डीड, अगर हम लोग टच कर देते हैं उन्हें, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो अपर कास्ट वाले लोग क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। डैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट्स स्ट्रिंग, और यही रीज़न था कि वो जो एल्डर मैन था वो उस पैकेज को उसके स्ट्रिंग से पकड़ के लाया हुआ था, ठीक है, ताकि वो फूड टच ना हो जाए और फूड कहीं पॉल्यूट ना हो जाए उस रीज़न से। व्हेन आई हर्ड दिस, तो जब नाइटर ने ये बात सुना, आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, उनको अब इस बात से कोई हंसी नहीं आ रहा था।
आई फेल्ट टेरेबली सैड, वो काफ़ी दुखी हुई इस बात को जान के। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिसगस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड। वो सोचती है कि कैसे वो लोग, ये इंसान कैसे, ये अपर कास्ट वाले लोग ये सोच सकते हैं कि अगर हम लोग उस पैकेज को अपने हाथों से छू दिए तो वो पॉल्यूट हो जाएगा, डिस्गस्टिंग हो जाएगा। तो इस ये बात नरेटर को जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इवन दो द वढ़ाई हैड बीन रैप्ड फर्स्ट इन द बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, तो वढ़ाई को तो पहले बनाना के पत्ते पे उसको पैक किया गया था, फिर पेपर में पैक किया गया था, तो इतना पैकिंग के बावजूद अगर हम उसको छू दें तो कैसे वो पॉल्यूट हो जाएगा। तो ये बात नरेटर को बिलीव, विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, समझ भी नहीं आ रहा था। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेचेड वटाइज माई सेल्फ स्टेट अवे। तो नरेटर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा वो प्रोवोक हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है कि वो चाहती है कि मैं अभी जाके उस बधाई को छू दूँ, ठीक है। वाई शुड वी हैव टू फेच एंड कैरी फॉर दिस पीपल, वो सोचती है कि क्यों हम लोग इन लोगों के लिए कुछ चीज़ खाना लेके आए, कुछ कैरी करके लाए, नरेटर सोचती है, ठीक है। सच एन इंपॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स गोज मीकली टू द शॉप्स टू फेच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली बोइंग एंड श्रीकिंग टू दिस फेलो। वो सोचती है कि कैसे वो इतना इंपॉर्टेंट एल्डर, ठीक है, इतना बड़ा उम्रदार इंसान, ठीक है, बुजुर्ग इंसान, ऑफ आवर्स मतलब उनके कम्युनिटी का एक इतना बुजुर्ग इंसान, गोज मीकली मतलब वीकली, काफ़ी मतलब कमजोरी से वो जाता है दुकान की तरफ और स्नैक्स खरीद के लाता है और उसको काफ़ी रेवरेंटली मतलब इज्जत से, रेस्पेक्टफुली झुक के और सिगुड़ के उस इंसान को देता है जो सिर्फ बैठता है, हु जस्ट सीट्स देयर, सिर्फ बैठता है एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, और उसको ठूस लेता है अपने मुंह में, ठीक है। तो उस इंसान के लिए इतना हम लोग क्यों करते हैं। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, ये सब सोच के नेटरो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, ठीक है। हाउ वॉज इट डैट दिस फेलोज थॉट सो मच ऑफ देम सेल्फ, तो ये लोग अपने आप को इतना बड़ा कैसे समझ सकते हैं, नेटर सोचती है, ठीक है। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड फोर कॉइंस टुगेदर, सिर्फ इसलिए कि वो लोग कुछ पैसे, चार पैसे कमा चुके हैं तो ये लोग इतना बड़े होंगे, हो गए। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, चार पैसे कमा लेने का मतलब ये क्या, ये है क्या कि वो लोग सब ह्यूमन फीलिंग्स खो चुके हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम लोग भी तो ह्यूमन बींग्स हैं और यही हमारे इस पार्ट का टाइटल भी है। आवर पीपल शुड नेवर रन दिस प्रीटी इवेंट्स फॉर दिस फेलोज, तो हमारे लोग मतलब उनके कम्युनिटी के लोग, दलित लोगों को कभी भी इन अपर कास्ट वाले लोगों के लिए प्रीटी इवेंट्स मतलब इस छोटे मोटे काम नहीं करना चाहिए, यानी कि खाना वाना ला के ये सब नहीं देना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड, हमें सिर्फ उनके फील्ड में काम करना चाहिए, टेक होम आवर वेजेस और हमारे तनख्वाह लेके घर आना चाहिए एंड लीव इट एट दैट, इतना ही लेना देना रखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग इन एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, तो मेरे बड़े भाई जो थे जिसका जिक्र ऊपर हुआ था, जिसको अन्ना बोल के बुलाया गया था, ठीक है। तो बड़े भाई जो थे वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, ठीक है, और वो यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि उन्हें हॉलीडेज मिला था, ठीक है, छुट्टी मिला था, तो वो यहाँ पे आए हुए थे। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन द नेबरिंग विलेज, तो वो पास के बगल के जो विलेज था, गाँव था, वहाँ पर वो जाते थे, वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एक लाइब्रेरी था, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स लेने के लिए वो जाते थे। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, तो एक बार वो बुक लेकर वापस घर आ रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, ठीक है, एक इरीगेशन टैंक का किनारे वो चल के आ रहे थे। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, तो एक लैंडलॉर्ड का आदमी उनके पास आया। ही थॉट माई अन्ना लुक्स अनफेमिलियर, और उसे लगा कि ये जो उसके जो बड़े भाई है वो कुछ अलग दिख रहे थे, क्योंकि वो तो यहाँ पर रहता नहीं था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और सिर्फ हॉलीडे स्पेंड करने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। तो वो जो लैंडलॉर्ड का आदमी था वो अन्ना के पास आता है, जो क्योंकि वो अन्ना अनफेमिलियर उसे लगा, एंड उसे पूछता है हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, मतलब अरे भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अन्ना टोल्ड हिम हिज नेम, उसने अपना नाम बताया। इमिडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, और तुरंत ही वो जो लैंडलॉर्ड का आदमी था वो पूछता है थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, मतलब रुको तुम कौन से स्ट्रीट में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज डैट, और ये क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था कि इफ़ यू न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव, अगर उसे पता चल जाएगी हम वो कौन रास्ते में रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, तो रास्ते का नाम सुन के वो उसका कास्ट भी जान जाएगा, ठीक है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन पूछा इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। अनान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, तो ये सब बात अनान लाके नेटर को बताते हैं, एंड ही एडेड, और वो बोलते हैं बिकॉज वी आर बॉन्ड इन टू दिस कम्युनिटी, चूँकि वो लोग इस कम्युनिटी में बॉन्ड हुए हैं, दलित कम्युनिटी में, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी ऑनर डिग्निटी या फिर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा।
वी आर स्ट्राइव्ड ऑफ ऑल डैट, हमें इन सब चीज़ से वंचित कर दिया गया है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक आवर एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन इसका एक ही उपाय है, अगर हम पढ़ेंगे और प्रोग्रेस करेंगे वी कैन थ्रो अवे सच दीज इंडिग्निटीज़। तो हम जो बेशर्मी का सामना करना पड़ता है, इस बेशर्मी को हम लोग दूर हटा देंगे। कैसे हटा देंगे? पढ़ाई के साथ, ठीक है, और प्रोग्रेस के साथ। इसीलिए सो स्टडी विद केयर, बहुत ध्यान से पढ़ो, लर्न ऑल यू कैन, जितना चीज़ सीख पाओ उतना चीज़ सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। अगर तुम लेसन्स में आगे रहोगे तो लोग तुम्हारे पास आएंगे अपनी इच्छा से, एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और अपने आप को तुमसे जोड़ने का कोशिश करेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, इसलिए मेहनत करो और चीज़ों को सीखो। द वर्ड्स डैट अन्ना स्पोक टू मी डैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। तो ये वर्ड्स जो अन्ना ने बोला, ये वर्ड्स का इफेक्ट काफ़ी डीप हुआ ऑन द नरेटर, ठीक है, काफ़ी गहरा छाप छोड़ गया ये वर्ड्स नरेटर के लिए। एंड आई स्टडीड हार्ड, और ये बात सुनकर नरेटर ने काफ़ी स्टडी किया, विथ ऑल माई ब्रेथ एंड बींग, जितना दम था उतना दम लगा के स्टडी किया, इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, मतलब पागलों की तरह पढ़ा इन्होंने। और एज अन्ना हैड अर्स्ट, जैसे अन्ना ने कहा था, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, और नरेटर जी थी वो अपने क्लास में फर्स्ट भी आई, एंड बिकॉज ऑफ डैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और फर्स्ट आने की वजह से बहुत सारे लोग उनके दोस्त भी बने, ठीक है। तो गाइज यही था ये स्टोरी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में दें। और इतना ही है फिर, और हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।